एक शायर ने कहा था कि मेरी किस्मत में या रब बरकते रमजान लिख देना, मेरी मंजिल का रहबर दीन का सुल्तान लिख देना, जहे किस्मत अगर मर जाऊं मैं रोजे की हालत में तो अजीजों माथे पर मेरी आयते कुरान लिख देना, माथे पर अजीजों आयते कुरान लिख देना। माशाल्लाह वक्त एकदम कम है, हमारे जितने अहबाब हैं, निहाल भाई ने कहा है कि हजरत माँ के हवाले से जरूर पढ़िएगा, हम उस जिन्नाती अनाउंसर हैं कि रातों भर कहिएगा तो हम माँ ही के हवाले से पढ़ते रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर अगर वाकई में चाह रहे हैं, मैं नात भी पढ़ लिया और मनकबत भी पढ़ लिया, एक शेर माँ के हवाले से पढ़ने जा रहा हूँ और माँ बाप के हवाले से वही बेटा बोलेगा जो माँ का दूध पिया है। जरा सा लहरा के हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनिए उलमाए किराम, चाहे जो हो हिंदुस्तान में माँ की दुआ नहीं उसके साथ तो उसके साथ कुछ नहीं, जो माँ का वफादार नहीं वो किसी का वफादार हो नहीं सकता। एक शायर ने बहुत पहले कहा था, मुफ्ती अमजद साहब किबला, बहुत पहले कहा था कि कभी भी रेत पे कश्ती चला नहीं सकते, कभी भी उनका रुतबा घटा नहीं सकते, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध जो पिलाई है तुम एक कतरे की कीमत चुका नहीं सकते, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध जो पिलाई है तुम एक कतरे की कीमत चुका नहीं सकते। वो माँ है जिसका मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया है। माशाल्लाह अपना जिक्र अपने हबीब के जिक्र के बाद कुरान में कई जगहों पे जिक्र माँ का और बाप का आया है। अल्हम्दुलिल्लाह माँ के हवाले से बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, तकरीरें इंशाल्लाह नात या अशआर के हवाले से। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक अब सारा मजमा तैयार हो जाए, मुझे बहुत कम वक्त आज लेना है, बहुत ज्यादा काम करना है। सारे शोराए का बहुत जल्दी स्टेज पर आ रहे हैं, पूरा मजमा हाथ उठा करके, एक खूबसूरत इस जमीन का गुलाम है जो नात या शायरी का खूबसूरत चमन पर बैठ कर नबी की नात गुनगुनाना चाहता है। शाहकारे तरन्नुम जनाबे मोहतरम शाहनवाज आलम, चंद शेर पढ़ेंगे फिर अपनी जगह लेंगे। जो जो आए हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बस आप ये समझिए कि निहाल भाई और उनके भाइयों की मोहब्बत में आए हैं, अगर ज्यादा नहीं भी पढ़ सके तो शिरकत हो जाएगी, इसलिए कि बाहर से आने वाले शोराए कराम को थोड़ा ज्यादा वक्त देना है मुझे, इसलिए सारा मजमा हाथ उठा करके नारा लगाएं और मोहब्बतों के साथ मैं शाहनवाज आलम साहब को आवाज दे रहा हूँ, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस अजमत वाले दैन नारे तकबीर नारे रिसालत। धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की खुशबू है चमन बोल रहा है। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। मोहब्बत से बोल दिया सुभान अल्लाह, ऑपरेटर साहब थोड़ा सही को दे दीजिए। और हजरत की दुआ को सहारा लेते हुए, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, के दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। अरे या नबी हम को मदीना कब बुलाया जाएगा, या नबी हम को मदीना कब बुलाया जाएगा। अगर आप लोग मदीना जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह, और जरा बेदारी के साथ या रसूल अल्लाह कब तक रुलाया जाएगा, के फातिमा घर पर तेरे आए है जिब्रील अमीन, के फातिमा घर पर तेरे आए है जिब्रील अमीन, लगता है हसनैन को झूला झूलाया जाएगा, लगता है
हसन नैन को झूला झुलाया जाएगा। और मोदी साहब दुआओं का सहारा लेते हुए ये शेर पढ़ता हूं, लाइजा फरमाए, मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। कब तक रुलाया जाएगा, कब तक रुलाया जाएगा, के बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद, के बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद, अरे उस बड़े भाई को पल को पे बिठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद उन नबी रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब तक रुलाया जाएगा। और काफी प्यारा शेर आपके हवाले करता हूँ, मुलायजा फरमाए, मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। जरा और बेदारी लाइए, मोहब्बत से बोल दिए या रसूल अल्लाह। कब तक बुलाया जाएगा, हेलो हेलो, के बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद, बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद, अरे उस बड़े भाई को पल को पे बिठाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई को पे बिठाया जाएगा। और ये शेर शर्बला के हवाले से, और कोई भी हजरत खामोश नहीं रहेगा, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बुलाया जाएगा बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद, बेशक के एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की। क्या बात है, हक है, के एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की, रे दूसरा सजदा कयामत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, के एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की, के एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की, अरे दूसरा सजदा कयामत में निभाया जाएगा। दूसरा सजदा कयामत में निभाया जाएगा। और आखिरी शेर, आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह इरशाद, माशाल्लाह, मुलाहिज़ा फरमाएं। कब बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा। और ये शेर माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, इरशाद हो इरशाद। कब बुलाया जाएगा, कि कौन हाथों से खिलाए गाने वाला अब मुझे, कौन है
कौन हाथों से खिलाए गानी वाला अब मुझे रे माँ तुझे तो छोड़ कर कुछ भी न खाया। क्या बात है, क्या दर्द है। माँ तुझे तो छोड़ कर कुछ भी न खाया जाएगा। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, कब तक रुलाया जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।